अगर मैं फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहता हूं तो क्या दूध को मुझे अपनी डाइट में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि जब फैट लॉस या वेट लॉस की बात आती है तो हर कोई क्यों मना करता है दूध पीने से। तो गाइस इसमें मैं बोलूंगा दूध बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है जो आप अपनी डाइट में रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपका प्रोटीन पूरा होता है। बट अगर आप फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके पीछे का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी पूरे दिन की एक कैलोरीज कंजप्शन होती है, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। तो जब आप कैलोरीज डेफिसिट रहते हैं तो आप फैट लॉस या वेट लॉस करेंगे, और जब कैलोरीज सरप्लस रहते हैं तो आप वेट गेन या मसल गेन करेंगे। तो अगर आपको पता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप दूध लेना चाहते हैं अपनी डाइट में तो आप जरूर ले सकते हैं, और आप थोड़ा सा डेफिसिट रह के आप फैट लॉस तब भी जरूर करेंगे। तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना चाहिए, आपको कितना आपको डेफिसिट रहना है वो पता होना चाहिए, तो आप दूध को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं।